जी ठीक है, सब बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं विशाल, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सब बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सो ये मथौली गांव है जो कि हमारे यहां से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और सो देखिए, ये पीछे जो बैकग्राउंड में आप लोग मकान देख सकते हैं, पुराना ज़माने का वो मकान है, खपड़े वाला, और इन्हीं भाई साहब का वो मकान है। और सो इसी के अंदर बिग साइज़ का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा सांप है, ऐसा लोग बताए हैं। तो आप सब वीडियो के अंदर बने रहिएगा और आइए उसको पकड़ के निकाल के दिखाते हैं कौन सा सांप है और कैसा सांप है। आइए इस पर जाए ना। तो सो बता दे कि एक दिन और हम लोग आए थे पहले, ले बहुत खोजे उसको, कोशिश की लेकिन वो मिला ही नहीं, आज फिर दिखाई दिया है। तो आइए पहले जल्दी से उसको पकड़ें। हाँ नहीं, चले मिल जाएगा दोस्तों। एक दिन और आके बहुत मेहनत हम लोग किए बट मिला नहीं, लेकिन आज उसको लेकर जाएंगे। आइए किस लकड़ी में? मोटा वाला, मोटा वाला। हाँ बताइए, इसी में वो शक था उस टाइम, हटना चलो हट जाओ। तो ये लकड़ी है, इसी के अंदर वो सांप है। तो आइए दोस्ती इसी में था ना, निश्चिंत रहिए। अगर ज़्यादा उस पर नहीं जाएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं था, नहीं अच्छा नहीं, घबराइए मत आप लोग, आप लोग बस शांति से देखिए। टाँच है का टाँच नहीं है, तो दे देखे बार के। हाँ कुछ काट लो तो भी दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं लकड़ी है और इसी के अंदर वो सांप गया है कहीं अंदर, निश्चिंत रहिए दोस्तों। एक दिन और आए थे तो क्या पूरा हम तोड़े, लेकिन मिला नहीं सांप उस दिन, और वो सांप शायद इस लकड़ी के अंदर था इसीलिए नहीं मिला। आज इसमें दिखाई दिया है, अभी नहीं। अरे उसको भी बचाना है ना, उसको बस चोट ना लगे। सड़क रहा है आगे बेचारा, क्या करे। देखिए क्या बैठा है दोस्तों, देख सकते हैं इस इंडियन स्पेटल कोबरा सांप है, इसी लकड़ी में सब बैठा हुआ है घुस के। दोस्तों देख सकते हैं बहुत टफ जगह है, और रहता दोस्तों लकड़ी फटे ना तब तक आएगा नहीं। रुके अब एक उसे भी खींचा दे, आओ देखो आ रहा है, दोस्त देखा आ रहा है, निकल गया। हाँ काफ़ी बड़ा है, चलो अभी लगा रही है। देखिए चोट लगा भी है, देखिए लग चुका भी चोट तो सभी, देखिए वो इंजर्ड हो गया है थोड़ा सा। अच्छा चलाक मारे हैं दोस्तों, बिग साइज का इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा सांप है। और सर तो पहले जो चोट लगा है दिखा दीजिए, आज नहीं लगा है, आज का नहीं है, सो ईंटा चला लग रहा है, पहले मारे थे सब। और सो काफी अंदर था उसमें, चलिए लेकर चलते हैं। हाँ सब पहले से ही, आज का नहीं है। हाँ चलिए हटा, नहीं नहीं अच्छा किए हैं। रुको यहीं पर, गरम कर, चलिए नीचे चला जाए, चलिए। अरे वो एक लाल बता में छे दोस्तों, बता दे कि कुछ लोग दोस्तों ये दिखाई दिया था पहले, तो कुछ लोग इसको खंती से मार दिए थे, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों इसका इलाज करते हैं, हल्दी उल्दी लगा के इसको थोड़ा राहत देते हैं हम लोग। आइए छोड़ दिया।
तो देख सकते हैं इसको चोट लगा है, लोग छरोर से मार दिए थे इसको, मारने का प्रयास किए थे सब लाई ज्यादा गर्म बका। हाँ तुहरे गल धाम साफ ज्यादा लग गए थे वो कपड़ा बनाए थे तो बांधने के लिए लगाना जरूरी है। कपड़ा दीजिएगा दो मुई हाँ तो पिया लला का के तला कपड़ा लाई ना कपड़ा अरे वो नहीं दूसरा बने तो बंद अच्छा कपड़ा दीजिए दोस्तों थोड़ा सा बानी ना बानी का अरे आइए ना कोई दिक्कत नहीं है डरने की बात बिल्कुल नहीं है ठीक है सब बता रहे हैं हम लोग गलती के मारे आपको मारना नहीं चाहिए था अरे मोहल्ले के लड़के मार दिए बचा दिए हम लोग तुम बानी ना वो कोई दिक्कत नहीं है बानी का कोई आएगा बानी का इसको देखिए इसको ऐसे लपेट के बानी हाँ चलिए लपेट आराम से लपेटा अरे छुआई तब कौन दिक्कत नहीं बानी यार मार बानी का टाइट करो टाइट करो बस सही है ये अपने आप जैसे रेंगते हैं सब तो घिस के हट हटल हटे लोग इतने से इसको राहत मिल गया अरे नहीं मतलब सांप दूध नहीं पीता है कौन बोला अरे मतलब वो फिल्मों में होता है ठीक है सांप नहीं पिया सांप प्योर मांसाहारी है कह सकते हैं सांप मांस के अलावा कुछ खाएगा ही नहीं चूहा खाएगा मेढक खाएगा छिपकली गिरगिट अरे भैया वो सब मूवी में होता है रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है अरे भैया रियल लाइफ में होता है लेकिन लोग देख नहीं पाते वो ये सब काम तो आप कहाँ से देख लिए आप बताइए आप कहाँ से देख लिए जब लोग नहीं देख पाते हैं उजाला गप से निकाला ना कहाँ पर ऐसा कभी हुआ है क्या सामने वीडियो है उसका कोई प्रूफ है तब बताइए छे दोस्तों इसको रिलीज करेंगे पहले चलिए आइए अरे आपने वीडियो में दिखाई है हम लोग एक कोबरे सांप का रेस्क्यू हम लोग किए थे दोस्तों वहाँ के जो लोग थे कुछ ऐसे हरामी लोग होते हैं दोस्तों जो सांप को रॉड से मार दिए थे वहाँ पर और उसका पूरा फट गया था और उसमें मैं हल्दी वगैरह लगा के कुछ राहत दिया हूँ और सो देखिए अब वो उसको पकड़ के उसका इलाज करके और मैं उसको इस देखिए जंगल में रिलीज़ करने के लिए आ गया हूँ ताकि जंगल में दोस्तों अगर आ जाएगा तो उसकी जान दोस्तों 100% बच जाएगी और सो वहाँ रहता तो गारंटी लोग इसको मार ही देते हैं तो हम लोग गए और रेस्क्यू करके आए अब देखिए छोड़ने के लिए आ गए हैं तो आप सब वीडियो के अंदर बने रहिए और चलिए इसी जंगल में उस सांप को हम लोग रिलीज करते हैं ताकि वो बच जाए तो उसको यही सब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसका हम लोग कपड़ा वपड़ा बांधे हैं इस पर ताकि हल्दी लगा के ताकि इसको ये बच जाए लेकिन बहुत दिक्कत हो गया था दोस्तों इसको आराम से हम लोग यहीं पर रिलीज करते हैं दोस्तों देख सकते हैं और दोस्तों ये चला जाएगा ऐसे ही अब देखिए तो थोड़ा चलने में दिक्कत होगा लेकिन सही है हम लोग कपड़ा बांधे हैं दोस्तों इसको छोड़ेंगे और उसको बता दे कि हम लोग कपड़ा बांधे इसको ऐसे छोड़ेंगे ताकि दोस्तों देखिए जो कपड़ा है वो अपने आप खुल जाएगा जब ऐसे वो रेंगते हैं सब तो जो कपड़ा है वो घिसेगा नीचे ज़मीन से और इनके पेट से घिसेगा और घिस कर अपने आप दोस्तों कट जाएगा और इनको कोई दिक्कत नहीं होगा तो दोस्तों हम लोग देखिए इसको रिलीज कर दिए देखिए धीरे धीरे मचा बराबर दिखा दीजिए और धीरे धीरे दोस्तों चला जाएगा कहीं तो बस दोस्तों
ऐसे ही सपोर्ट बार बनाए रखिए ताकि मैं इन विजवानों को बचाता रहूं। नहीं तो दोस्तों आने वाले कुछ सालों में तब 10-20 सालों के अंदर ये सब विलुप्त हो ही जाएंगे, क्योंकि सब सांप बहुत कम दिखाई अब वो आ रहे हैं सब, वो बस मारने की वजह से, जिस गति से लोग सांप को मारना स्टार्ट किए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी सांप विलुप्त हो ही जाएंगे। तो बस दोस्तों आप लोग सपोर्ट बनाइए ताकि मैं इन विजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूं और इनको ऐसे ही जंगल में रिलीज कर सकूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।